हाय गाइस, तो यहाँ पे आज मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर भी यहाँ शो कर रही हूँ कि बिफ़ोर फेस एंड आफ्टर फेस कैसा है और सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये एक छोटी सी ग्लिम्सेस थी, वीडियो की तरफ चलते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो मुझे बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि सुगम, आपने जो वीडियो बनाया था जॉ लाइन के लिए, उसका प्लीज़ एक वीडियो और बना दो, और क्योंकि हमें मिल नहीं रहे। और हाँ, मैंने भी लिंक नहीं शेयर किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं भी वो वीडियो बना दूँ। आप मेरा नीचे देख सकते हैं फेस, और वीडियो प्रॉपर अगर होगा तो मैं स्टार्ट कर दूँगी। मैं इसलिए प्रॉपर नहीं बोलती, मान लीजिए मैं भूल जाऊँ या फिर एडिटिंग में मैं ना दे पाऊँ या पुराना वीडियो ना मुझे मिले, तो आप देख लेना और थंबनेल में तो मैं लगाऊँगी। ये चीज़ मेरी पहले कैसी थी और आज पहले कैसी है, ठीक आज कैसी है, तो ये चीज़ भी प्रॉपर। देखिए क्या होता है, वेट लॉस आप कर लोगे लेकिन यहाँ की चीज़ लटक जाएगी आपकी, और ये जो चीज़ है ये आपकी बिल्कुल फाइन होके नहीं आएगी। इसके लिए प्रॉपर मैंने क्या किया है वो चीज़ आप जरूर देखना, प्रॉपर वीडियो में कैसे देखना। और फेस काफ़ी ज़्यादा यंग लगेगा। इवन यहाँ पे कोई मेकअप नहीं है, जस्ट लिप शेड है, वो भी बहुत ही, मतलब मैं दिखाऊँ तो वो बीट रूट एंड टमाटो वाला है, वो भी मैंने नहीं लगाया, ना लाइनर ना मस्कारा ना कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट लाइक नॉर्मल आप लोग के साथ एक टॉप पहना है, कान भी पहने और आगे हूँ। तो इसके लिए प्रॉपर क्या मैंने किया, कैसे किया, और विद इन 15 to 20 days में आपको मिल जाएगा। आप मेरे पहले के वीडियोस देख लो और आज के वीडियोस देख लो। मैंने फेस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, ताकि फेस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप यंग दिख सकते हो या फिर थोड़ा सा डल दिख सकते हो, और फेस से ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। आप अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, आप खराब लाइफ स्टाइल जी रहे हो, आप आलसी वाली लाइफ स्टाइल जी रहे हो या काफ़ी एक्टिव वाली लाइफ स्टाइल जी रहे हो। तो क्या है, कैसे किया, मैंने सारी चीज़ें वीडियो में आगे देखना, लेकिन उससे पहले मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना, और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आए तो इसे भी सब्सक्राइब कर, मतलब लाइक कर लेना एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलती हूँ वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, जिस चीज़ के बारे में मैं बताने वाली हूँ तो वो आयुर्वेद की एक ऐसी जड़ी बूटी है जो मनुष्य के पूरे स्वास्थ्य को पल भर में चंगा कर सकती है। जी हाँ, आज मैं यहाँ पे गोंद की बात कर रही हूँ, जो स्पेशली आपके उस एरिया का फैट या उस एरिया के चर्बी को निकालता है जो पूरी तरह से जम चुकी है, सेलुलाइट जिसे हम बोलते हैं। मैं इसे पाउडर फॉर्म में यूज़ करूँगी, तो मैं आपको ओरिजिनल फॉर्म यानी रॉ फॉर्म एंड पाउडर फॉर्म दोनों दिखा रही हूँ। मार्केट में आसानी से और बहुत ही सस्ते वे में मिलता है ये, तो आप परचेस कर ना, साथ ही साथ इसकी कैसे यूज़ करना है वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन पहले सोचा कि आप लोग के साथ इंग्रेडिएंट शेयर कर दूं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बाउल लूँगी, मतलब बाउल क्या, छोटी सी कटोरी लूँगी, और उसमें यहाँ पे मैं गोंद पाउडर ले रही हूँ। अगर आपको मार्केट में रॉ गोंद मिलता है तो आप मिक्सी में पीस लेना बहुत आसानी से, या फिर कुटनी से कूट लेना, बहुत आसानी से कूट जाता है। यहाँ पे लेना है, देन आपको विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, ताकि जो भी गोंद आपके स्किन का मॉइस्चर खींचेगा, विटामिन ई कैप्सूल उस मॉइस्चर को लॉक करेगा। तो ये दोनों तरह से आपके स्किन के लिए बेनिफिट भी रहेगा, और साथ ही साथ यू नो कि गोंद किस तरह से चिपक कर हमारी मांसपेशियों को टाइट करेगा। और ये जितना भी, मतलब मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, एक्सरसाइज भी शेयर करूँगी, ये भी शेयर करूँगी, ताकि आप सारी चीज़ों को कर इस करवा चौथ तक अपने फेस को काफ़ी स्लिम कर पाओ। इसलिए मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी डालकर जो है इसे एक गाढ़े पेस्ट में कन्वर्ट करूँगी। और जैसे जैसे मैं पानी डालती जाऊँगी, आई नो कि मतलब थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं इसमें पानी डालती जाऊँगी ये गाढ़ा पेस्ट होता जाएगा, बिकॉज गोंद है, चिपकता है, तो मतलब थोड़ा सा लुक वार्म वाटर या गर्म पानी डालना, तभी ये लिक्विडी फॉर्म में रहेगा, वरना ये पूरा एक पत्थर जैसा बन जाएगा और फिर वो काम नहीं करेगा। तो थोड़ा थोड़ा ये देखिए, जैसे जैसे पानी डाल रही हूँ, जितना भी पानी डाल रही हूँ, ये पूरा बनता ही जा रहा है एक गोला सा, लेकिन हाँ गर्म पानी यूज़ करना और फटाक से इसको यूज़ करना जैसे मैं बताऊँगी। ये देखिए, अगेन पानी डाला, अगेन वो पूरा फिर से एक गोले जैसा बनने लगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा गुनगुना पानी ही लेना है आपको, और धीरे धीरे दो दो चार चार बूंद करके या दो दो चम्मच करके आपको इसे थोड़ा सा गाढ़े पेस्ट में कन्वर्ट करना है। अगेन पानी डालूंगी, अगेन ऐसा होगा, लेकिन हाँ अब मैं थोड़ा सा जल्दी अपने हाथ यहाँ पे चलाऊंगी और आपको फिर करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। तो जैसे मान लीजिए आपका चिन एरिया है, ठीक है, चिन एरिया में आप, ये आपका थाई एरिया है, जहाँ पे भी आपको सेलुलाइट लग रहा हो, लेकिन ये रेमेडी सबसे अच्छी, मतलब कि आपके फेस फैट पे काम करेगी। तो इस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है एक थिक थिक फॉर्म में, और विद इन 4 to 5 minutes भी नहीं लगेगा, 2 to 3 minutes लगेगा, ये बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगा और आपको लगेगा कि किसी ने प्लास्टर कर दिया है, इतना ज़्यादा टाइट होता है। तो मसल्स अंदर जाएंगी और फैट जो है ना, जो जिसे हम सेलुलाइट करते हैं, जो
बहुत सालों से जमा होता है थाइस पे या कहीं भी, ये उसे ब्रेक करता है, ठीक है, उसे ब्रेक करता है तो वहाँ से टूटता है फैट, फैट टूट के ये ऑटोमेटिक पिघलता है, देन वो जाके निकल जाता है पसीने के रूप में या कैसे भी करके, इस तरह से ये रेमेडी काम करती है। जितनी देर सूखे नहीं, आप थोड़ा सा मसाज कर लेना, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जैसे ही सूखने लगे आप छोड़ देना उसे लेप बना के। नेक्स्ट मैं आपको दो चीज़ें अभी और बताऊंगी जिससे कि आप काफ़ी अच्छे से और इस चीज़ को कर पाओगे। आप जिसे हम लॉयन पोज भी बोलते हैं, इस तरह से रोज़ सुबह आप 3 to 4 मिनट कर लो। इस फेस की मांसपेशियां बहुत टाइट होंगी आपको, यंग यानी कि आप इसे एंटी एजिंग भी बोल सकते हो, ये काफ़ी अच्छे से आपके फेस की एजिंग को रोकेंगे। साथ ही साथ एक एक्सरसाइज जो मैं पर्सनली करती हूँ डेली बेसिस पे, वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। इससे क्या होता है, एक तो आपका सर्वाइकल बहुत अच्छा होता है, अगर सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा टचवुड ना हो, लेकिन अगर है तो पूरी तरह से चली जाएगी। और ये मांसपेशियों पे काम करता है जिससे कि फेस फैट जाता है। सुबह उठो, बेड से उठो, नीचे बैठ के करने लगो, बेड पे ही बैठ कर करने लगो अगर टाइट वाला बेड है, या फिर योगा करते हो और कुछ भी करते हो उसके साथ आप इस पोज को कर सकते, मतलब उस योगासन को कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपने फेस के फैट को कम किया है, और मतलब कि थोड़ा सा आप यंग भी दिखोगे। अगर आप 30 or 35 के हो तो आप आराम से 25-26 के आराम से लोग आपको बोलेंगे, और अगर आप 40 के हो तो 31 to 32 आप आ ही जाओगे। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है करवा चौथ तक। यकीन मानिए अगर आज से स्टार्ट कर दिया है आप बहुत फिट फाइन, फेस का फैट तो पूरी तरह से आपका चला जाएगा। तो ट्राई ज़रूर करना सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, देखा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। रोज़ 2 to 3 minutes या 4 minutes दे दो, यहाँ की आपकी जो है फैट बहुत तेज़ी से जाएगी, नेक आपकी बहुत क्लीन रहेगी, यहाँ पे जल्दी जल्दी झुर्रियाँ भी नहीं आएंगी, और आप काफ़ी यंग रहोगे, एजिंग भी आपकी रुकेगी, और फाइन लाइन जो आपकी जॉ लाइन है काफ़ी अच्छे से उभर के आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें बिल्कुल भी मत जाना, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें बिल्कुल भी मत जाना बिना। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।